फाइनल गाइस यहाँ पे MI TV 4A को अपडेट मिल चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अपडेट मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, तो डाउनलोड होने देते हैं। तो ये जो अपडेट है वो एंड्रॉयड 9 Pie का अपडेट है, जो कि MI रेडमी का जो शाओमी का MI 4A TV है, 4A Pro नहीं है, 4A TV है, खाली प्रो वाला नहीं है, जो कि पुराना वर्जन था उसमें अभी अपडेट मिल चुका है। दोस्तों ये जो अपडेट है वो सभी को एक साथ नहीं मिला है, तो बैच वाइज या फिर कुछ कुछ लोगों को एकदम एक ही टाइम पे सबको नहीं भेजा है अपडेट शाओमी ने, एक एक बंदे को या फिर एक एक टीवी पे ही यहाँ पे इन्होंने भेजा है। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है टीवी, ऑटोमेटिकली रिबूट हुआ था टीवी, उसके बाद इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो अपडेट इंस्टॉल होने देते हैं। तो अच्छा अपडेट है, डायरेक्टली जो मार्च वाले वर्जन था यहाँ पे पैच वॉल पे बेस था ये जो टीवी था पुराना MI 4A TV, तो अभी डायरेक्टली मार्शमेलो से डायरेक्टली पाए पे कन्वर्ट हो जाएगा टीवी, अपना अपडेट हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, तो चलिए अभी स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इरेजिंग होगा आपका जो भी डेटा है जो कि पिछले वर्जन में था, वो सब कुछ आपका डेटा वो चला जाएगा बिल्कुल न्यू, एक भी ऐप नहीं रहेगी, बस यहाँ पे आपको गूगल के एक्स्ट्रा ऐप जो मिलेगी, जैसे कि डिफ़ॉल्ट आपको गूगल का जो भी ऐप्स है वो मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, अभी अपना टीवी चालू हो जाएगा। तो जिनको भी अपडेट्स नहीं मिला है अभी तक, बस वेट ही करना होगा, वेट के सिवाय अभी आपको कुछ नहीं कर सकता मैं, तो वेट ही करना है, अपडेट मिल जाएगा ज़रूर। मैंने भी दोपहर को टीवी चालू किया था, तो अचानक से देखा मैंने, मैं बहुत दिन से, मैं भी 1 मंथ से तकरीबन इस अपडेट का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अपडेट मैन्युअली तो अपडेट नहीं कर सकते टीवी को, इसलिए वेट करना यही अच्छी बात है। लेकिन तो वेट किया, अचानक से दोपहर को मैंने अपडेट देखा, तो अपडेट स्टार्ट कर दिया डाउनलोडिंग और अपडेट कर लिया टीवी आपके सामने ही। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं, यहाँ पे रीजन चूज़ करना है, तो रीजन इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद लैंग्वेज चूज़ करना है, तो यहाँ पे US इंडिया जो भी चाहे मैं फर्स्ट वाले चूज़ करता हूँ। वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, तो वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट वाईफाई यूजिंग फोन डेटा, यानी कि हॉटस्पॉट से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप, क्विक सेटअप है यहाँ पे अभी गूगल का, तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। वाईफाई को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ टीवी को। तो यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली टू इंटरनेट, वाईफाई को कनेक्ट हो चुका है, अभी लोडिंग हो रहा है। गूगल का क्विक सेटअप हमें कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो ये जो अपडेट है वो रोल आउट होना हो चुका है शुरू, पिछले ही मंथ से, यानी कि नवंबर से रोल आउट होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक सबको नहीं मिला है। दिसंबर एंड तक सबको मिल जाएगा अपडेट, बस वेट ही करना होगा। तो यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं गूगल अकाउंट से। साइन इन करने के लिए यहाँ पे चलिए मैं गूगल अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। सबसे पहले यूज यूअर फोन और कंप्यूटर और यूज यूअर रिमोट, तो यूज यूअर फोन करना होगा। यहाँ पे फ़ोन में मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट पे जाना है, विजिट android.tv मोबाइल में डॉट टाइप करना है, एंड्रॉयड यहाँ पे URL टीवी पे आपको दिखाई देगा, उसको यहाँ पे टाइप करना है android.tv। तो मैं यहाँ पे मोबाइल में देखिए .com सेटअप, इस वेबसाइट में इस URL में आपको जाना है, उसके बाद उस कोड को पुट करना है
जो कि आपको टीवी पे दिख रहा है। तो चलिए, तो टीवी पे जो कोड आपको दिख रहा है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो उस कोड को मैं यहाँ पे सेम टाइप कर लेता हूँ। चलो टाइप कर लिया है। उसके बाद आपको जिस भी गूगल अकाउंट को अपने टीवी पे कनेक्ट करना है, साइन इन करना है, उसको चूज़ कर लीजिए। जिस भी गूगल अकाउंट को आप टीवी में साइन इन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक गूगल अकाउंट सिलेक्ट किया है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए सक्सेस हो चुका है। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। टर्म्स ऑफ सर्विस लोकेशन को ऑन कीजिए, यस करना है। यहाँ पे इम्प्रूव एंड्रॉयड सबको टर्न ऑन, या फिर आप नो थैंक्स भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट अगर आपको चाहिए तो ऑन कीजिए। वैसे तो 480V के रिमोट में गूगल असिस्टेंट का कुछ भी माइक का बटन नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोबाइल में यहाँ पे क्विक सेटअप, यहाँ पे सब कुछ एक डेमो दिख रहा है। देखिए कीप एक्सप्लोरिंग इट, जो भी मैनुअल में होता है यूजर मैनुअल में, वैसे यहाँ पे कुछ क्विक डेमो है, कैसे आपका टीवी चेंज होगा, कैसे क्या कुछ दिखेगा। यहाँ पे बटन का, रिमोट का बटन का भी एक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, कैसे ऑपरेट करना है। लेफ्ट वाला अगर बटन आप दबाते हैं, होम वाला, तो एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड OS पे चला जाएगा टीवी। और जो राइट वाला, जो थ्री लाइंस वाला बटन है, उसको दबाते हैं तो पैच वाल में चला जाएगा टीवी। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है टीवी, अभी स्टार्ट हो जाएगा टीवी। तो अभी हम आ चुके हैं एंड्रॉयड OS पे, जो कि है एंड्रॉयड 9.5। तो चेक करते हैं अपडेट, एंड्रॉयड 9.5 हो चुका है। वैसे तो दिख ही रहा है, फिर भी सेटिंग में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा सेवर का भी ऑप्शन दिया है इन्होंने। आपके डेटा को अगर आपको सेव करना है तो इसे आप ऑन रख सकते हैं या फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग में जाके सबसे पहले देख लेते हैं अपडेट एंड्रॉयड 9.5। तो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह सेटिंग काफ़ी अच्छे से कॉम्पैक्ट में बनाई है। अबाउट सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन, देखिए 9.5 हो चुका है सक्सेसफुली अपडेट। तो अपडेट फाइनली हमें मिल चुका है, और आपको बस वेट करना है। जिनको भी अपडेट अभी तक नहीं मिला है, वेट के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। मैनुअली भी नया अपडेट करने का ऑप्शन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है टीवी में, तो इसकी वजह से वेट ही करना होगा। और यहाँ पे जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच वर्जन देख लेते हैं, जो पुराना है, अगस्त का है, पुराना है, लेकिन ठीक है, अपडेट तो नया है। अपडेट आखिरकार मिल गया है, सब लोग इस अपडेट का वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। मैं भी वेट कर रहा था एक डेढ़ महीने से, लेकिन अभी मुझे फाइनली मिल चुका है अपडेट। तो चलिए पैच वाल पे चलते हैं हम। तो पैच वाल, डायरेक्टली आपको पैच वाल में जाना है, तो आपको रिमोट में जो राइट वाला बटन है, एक सर्कल वाला जिसमें थ्री लाइन से, उसको दबाना है, जो कि मेन वाला बटन है। उसके बाद अगर आपको आप लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं, होम वाला रिमोट में, तो आप डायरेक्टली एंड्रॉयड OS में चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अंधेरे की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा रिमोट ठीक से। तो यहाँ पे मैं बटन दबा देता हूँ, लेफ्ट वाला अगर दबा दे तो एंड्रॉयड OS में, और राइट वाला अगर दबाते हैं तो आप पैच वाले में चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।